विदिशा शांडिल्य और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है किसानों और सरकार के बीच कई बार वार्ता भी हो चुकी है लेकिन कोई बात नहीं बन रही इधर अब किसानों ने साफ कर दिया है कि मंत्रियों से कोई बात नहीं करेंगे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बातचीत होगी आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का आज इकहत्तरवा दिन है लेकिन सुलह की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कानून वापसी की मांग पर अड़े किसानों ने हरियाणा के जींद जिले के कंडेला गांव में महापंचायत की थी इसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अब कृषि मंत्री या फिर किसी और मंत्री से बातचीत नहीं करेंगे अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बातचीत के लिए आगे आना होगा टिकैत ने कहा कि किसान कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं जब गद्दी वापसी की मांग करेंगे तब सरकार क्या करेगी जब कोई राजा डरता है तो किले बंदी का सहारा लेता है ठीक ऐसा ही हो रहा है बॉर्डर पर जो कील बंदी की गई है ऐसे तो दुश्मन के लिए भी नहीं की जाती है लेकिन किसान डरेगा नहीं किसान इसके ऊपर लेटेंगे और उसे पार करके जाएंगे सरकार द्वारा बातचीत के लिए किसानों की कमेटी के सदस्यों की संख्या कम करने से भी टिकैत ने साफ इनकार कर दिया उन्होंने कहा कभी भी बीच लड़ाई में घोड़े नहीं बदले जाते जो कमेटी के सदस्य हैं वही रहेंगे बताते चले कि महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों को सरकार से वापस लेके एमएसपी का कानून बनाने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने पकड़े गए लोगों और जब्त किए गए ट्रैक्टरों को छोड़ने व किसानों का कर्ज माफ करने का मुद्दा उठाया गया वही बता दें कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई पांच डीटीसी बसों को डिपो में तुरंत लौटाने का निर्देश दिया है ये बसें किसान आंदोलन में सुरक्षा बलों की आवाजाही में लगी है दिल्ली परिवहन विभाग ने डीटीसी को यह भी निर्देश दिए हैं कि बिना सरकार की इजाजत के दिल्ली पुलिस को बसे नहीं दे किसान आंदोलन के समर्थन में पिछले 24 घंटे में कई विदेशी हस्तियां सामने आई हैं। वही यह भी बताते चले कि गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा की जांच की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया है याचिकाओं में मामले की जांच रिटायर्ड जजों से कराने को कहा गया था चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि सरकार इस मामले में अपना काम कर रही है जांच में कोई कमी नहीं है CGI ने आगे कहा कि सरकार ने इसे काफी गंभीरता से लिया है है हमने प्रधानमंत्री का बयान भी सुना है। उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है इसलिए सरकार को इसकी जांच करने दीजिए बता दें कि वकील विशाल तिवारी ने दिल्ली में हिंसा मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय आयोग बनाने की मांग की थी तिवारी का कहना था कि इस आयोग की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें वही सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अर्जी में मीडिया को निर्देश देने की मांग की गई थी पिटिशनर ने कहा था कि मीडिया को बिना सबूतों के किसानों को आतंकी कहने से रोकना चाहिए लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को भी खारिज कर दिया वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर याचिका में मांग की थी कि अगर कोई बगैर सबूत के किसान संगठनों और आंदोलनकारियों को आतंकी कहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए उन्होंने यह भी दावा किया था कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा की साजिश रची गई थी वह यह भी बता दें कि कृषि कानूनों को अमेरिका का समर्थन भी मिला है कहा गया है कि मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को एक सफल लोकतंत्र की पहचान बताते हुए अमेरिका ने कहा कि वह उन प्रयासों का स्वागत करता है जिससे भारत के बाजारों की क्षमता में सुधार होगा और निजी क्षेत्र की कंपनियां निवेश के लिए आकर्षित होंगी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह संकेत दिया कि बाइडेन प्रशासन कृषि क्षेत्र में सुधार के भारत सरकार के कदम का समर्थन करता है जिससे निजी निवेश आकर्षित होगा और किसानों की बड़ी बाजारों तक पहुंच बनेगी भारत में चल रहे किसानों के प्रदर्शन पर एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी वार्ता के जरिए दोनों पक्षों के बीच मतभेदों के समाधान को बढ़ावा देता है प्रवक्ता ने कहा कि हम मानते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी भी सफल लोकतंत्र की पहचान है और भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा है इस बीच कई अमेरिकी सांसदों ने भारत में किसानों का समर्थन किया है वही किसान आंदोलन के आठ दलों के विपक्षी नेता गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है वही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें व्यक्ति द्वारा सड़क पर लगाई जा रही कीलों को उखाड़ने का दृश्य दिखाया गया है इस वायरल वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि कीलों को सिर्फ रिपोजिशन किया गया है सीमा पर स्थिति पहले जैसी ही है दिल्ली पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर गाजीपुर बॉर्डर से कीड़े हटाने जाने की जो बातें कही जा रही हैं, वो सत्य नहीं है वही विपक्षी नेताओं का दल आज किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहा है हालांकि विपक्षी दलों के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने रोक दिया है आपको बता दें कि विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले डीएम सांसद कनी मोझी एसएडी सांसद हरसिमरत कौर बादल और टीएमसी सांसद सौगत रॉय समेत कई नेता शामिल हैं गौरतलब है कि तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर गणतंत्र दिवस पर हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी कई जगह उनकी पुलिस से झड़प हुई थी तोड़फोड़ की गई थी लाल किले पर धार्मिक झंडा लगा दिया गया था इस हिंसा में करीब 400 सौ पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे किसान संगठन से जुड़े नेताओं का दावा है कि इस हिंसा में आंदोलनकारी किसान शामिल नहीं है यह उन्हें बदनाम करने की एक साजिश है ऐसी ही लेटेस्ट पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद जेबीडी बैंकवेट लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट Banquet हॉल ज्योति गार्डन World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.